Shri Chaudhary Manwar Salim. Shri Chaudhary Manwar Salim. मैं अपने दल के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय, पिछले तीन दिनों से डॉक्टर अंबेडकर साहब को लेके और संविधान को लेके यहां बहस हो रही है और जैसा अभी गुजराल साहब फरमा रहे थे कि ये बहस लगी हुई है कि डॉक्टर अंबेडकर किसके थे, लेकिन मैं अपनी बात को इस सच से शुरू करना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तानी आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पैर रखा, जब भारत में वो एक महान विद्वान के रूप में पधारे, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो महाराष्ट्र से क्यों नहीं जीते और महाराष्ट्र से क्यों नहीं गए संविधान सभा में, लेकिन ये एक तारीखी सच है अध्यक्ष महोदय कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बंगाल से ले जाके उन्हें संविधान सभा में भेजा था और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उन्हें सबसे पहले पहचाना था कि ये एक महान संविधान विधेयक, महान विशेषज्ञ है, महान इंसान है और उनके सहयोग से और जोगेंद्रनाथ मंडल के सहयोग से वो संविधान सभा में गए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर साहब की जिंदगी के तीन पहलू हैं, एक विद्वान विधि ज्ञाता के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में, दूसरा एक महान सामाजिक क्रांतिकारी कार्यकर्ता के रूप में और तीसरा गरीबी से लड़ने वाले नेता के रूप में। मैं दूसरी बात और कहता हूं अध्यक्ष महोदय, समाजवादियों ने डॉक्टर अंबेडकर को कैसे पहचाना। डॉक्टर लोहिया ने बरसों पहले कहा अपनी एक तकरीर में कि जब दीवार से सब नेताओं की तस्वीरें उतर रही होंगी, जब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लग रही होगी, डॉक्टर अंबेडकर भविष्य का इतना बड़ा लीडर है। दूसरे कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत छुआछूत की बात हुई, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हालात खराब हैं, हमें तो डर लगता है कहीं इधर से कब कह दिया जाए कि पाकिस्तान चले जाओ, इधर से कब कह दिया जाए कि तुम्हारा स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। इसलिए मैं इशारों में कहूंगा अध्यक्ष महोदय, छुआछूत की बहुत बात चली, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरे नेता मुलायम सिंह यादव ने प्रैक्टिकल, जब काशीराम जी को लोकसभा में भेजने का सवाल आया तो उन्होंने कहा, उस वक्त हमारा गठजोड़ था बहुजन समाज पार्टी से, मुलायम सिंह जी ने कहा कोई छुआछूत नहीं, आओ मेरे गृह जनपद से, तुम लड़ो और मैं तुम्हें जिताऊंगा, और लोकसभा में काशीराम जी पहुंचे और छुआछूत के सिद्धांत पर रौन डाला। समाजवादी पार्टी का ये सिद्धांत रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बहस ये होना चाहिए थी, संविधान दिवस पर बहस ये होनी चाहिए थी तीन दिन तक, कि वो कौन लोग हैं जो संविधान की मंशा का मजाक उड़ा रहे, वो कौन लोग हैं जो इंसानों की पिल्ले से तुलना कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इंसानों की कुत्ते से तुलना कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो संवैधानिक ओहदों पर बैठे होने के बाद भी उन लोगों को जिन्होंने 1947 को 14 अगस्त 1947 को अध्यक्ष महोदय हमारे सामने विकल्प था, एक तरफ जिन्ना का मजहबी मुल्क था, दूसरी तरफ गांधी का धर्मनिरपेक्ष देश था, हमने टोपी वाले को अस्वीकार कर दिया और चोटी वाले को स्वीकार किया, हमने लिख दी भारत, हमने दुनिया के नक्शे पे ये लिख दिया कि धार्मिक उन्माद राष्ट्र से छोटा होता है, हमें देखो और राष्ट्रवादी बनो, हमें कौन राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ेगा, हम मुख्यधारा हैं। अध्यक्ष महोदय, इन हालात में जब संवैधानिक ओहदों पे बैठे हुए लोग, रोज तीन खानों को तो रोज भेज दिया जाता है पाकिस्तान, शाहरुख खान, आजम खान, आमिर खान, रोज कोई ना कोई एक ऐसा जिम्मेदार आदमी जो ये सोचते हुए शर्म आती है कि ये चुन के आए हैं, ये संवैधानिक ओहदों पर, तुम्हारा स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, अरे हमारे बाप दादा ने पाकिस्तान को ठुकराया है, तुम बुलाओगे नवाज शरीफ को अपनी ओथ समारोह में, अपने शपथ समारोह में, और हमसे कहोगे कि हम पाकिस्तानी हैं। आप ये बताइए अध्यक्ष महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज इस सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि ये सरकार अगर संविधान और अंबेडकर जी के सिद्धांत, अरे साहब हमें तो पूरा मुल्क का एक बड़ा हिस्सा दबा रहा है, आप भी दबा रहे, थोड़ा सा तो मौका दो। हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, सरकार की कथनी करने की एकता तब होगी, संविधान दिवस का अर्थ तब सिद्ध होगा संविधान दिवस में, और संविधान में आस्था तब साबित होगी जब संवैधानिक ओहदों पर बैठे हुए लोग जिन्होंने संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता, इंसानियत के विपरीत
आचरण किया है और शब्द बोले हैं उन्हें मिनिस्ट्री से निकाल देना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और 125 करोड़ का भारत अध्यक्ष महोदय देखती हुई जमीन पे कोई नहीं आता रोजगार करने के लिए। अगर शांति कायम करोगे तो भारत विकास करेगा। तुम अगर इंसानों को जानवरों से जोड़ोगे, भोजन का धर्म, सूरज का धर्म, सूरज का धर्म, सूरज के धर्म से जोड़ोगे। प्रधानमंत्री जी है नहीं, बैठिए बैठिए, आचरण करने वाले लोगों को मिनिस्ट्री से बैठिए और जिम्मेदार ओहदों से हटाएं। बैठिए, धन्यवाद।